हे गाइस, की हाल चाल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस यार, आज का वीडियो पे आपको कुछ ऐसी तरीके से एडिटिंग या डुअल टोन का एडिटिंग कैसे कर सकते वो दिखाऊंगा। तो बिना टाइम को वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते, उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, उसको कंप्लीट करना। अगर वीडियो पसंद आई यार, लाइक कर देना, नीचे एक लाइक बटन होगा और कमेंट पे एक छोटी सी प्यारी सी कमेंट छोड़ देना और सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, हमारा जो मॉडल है गाइस, जो हमारा जो फोटो का मॉडल है, जिसका ऊपर हम ड्यूअल टोन गाइस मैनिपुलेशन, मतलब ड्यूअल टोन का इफेक्ट रिटच करेंगे जो भी हमारा एडोबी लाइट रूम के अंदर। तो गाइस इस फोटो को हम शेयर करेंगे। तो गाइस यहाँ पर जो शेयर बटन मिलता है गाइस, इस शेयर बटन के ऊपर एक बार क्लिक करना है। देन आपको कुछ आपको वेट करना है और एक ऑप्शन आएगा जिसको ऊपर आप शेयर कर सकते हैं। सो गाइस सिंपली यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा ऐड टू एलर, मतलब गाइस ऐड टू एलर मतलब होता है ऐड टू लाइट रूम। तो गाइस यहाँ पर सिंपली एक बार क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक मतलब ऐड हो जाएगा। जो फोटो है वो ओपन हो जाएगा। सो गाइस आज का वीडियो मतलब इस वो एडिटच कुछ टिप्स के अंदर होगा। तो गाइस सिंपली आपको जो यहाँ पर जो ऑटो का बटन मिलता है गाइस, अगर आपको ये अनलॉक वाला जो लाइटरूम है वो अगर आपके पास नहीं है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाके इस अनलॉक एपीके को डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली कैसे, यहाँ पर जो ऑटो का बटन है, ऑटो का बटन के ऊपर क्लिक करने एंड देन आपका जो लाइटिंग होगा वो एडजस्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर सन आइकन पे जाएंगे एंड देन इसका जो हाईलाइट्स है गाइस, हाईलाइट्स को आप देख सकते हैं। हाईलाइट्स अगर आप कम देंगे तो फोटो थोड़ा बहुत आ जाएगा। एंड देन गाइस ऊपर जो एक्सपोजर है गाइस, एक्सपोजर को हल्का सा बढ़ाएंगे क्योंकि इस पर थोड़ा लाइट्स कम है, ठीक है। देन जो वाइट सीन है गाइस, वाइट्स को भी हम थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे। देन अगर नीचे का टूल पे आ जाएंगे, जो कलर टूल होता है, मिक्स टूल, तो गाइस इसके ऊपर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो दे चुका हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा या आई बटन पे भी मिल जाएगा। देन आपको क्या करना है, इसको आपको मिक्स टूल के ऊपर जाना है। देन आपका जो फेस का मेन कलर होता है गाइस, तो यहाँ पर ऑरेंज कलर पर चला जाना है गाइस, आपका फेस का कलर था। देन इसका जो लुमिनेंस है गाइस, लुमिनेंस को आपको जो एक्सटेंड करना है और अप्रोक्स गाइस 22 तक, ठीक है। इसका जो सेचुरेशन है गाइस, सेचुरेशन को कम करना है, ठीक है। तो गाइस इसको हम सेचुरेशन को एडजस्ट करते हैं -10 तक। देन यहाँ पर जो रेड कलर होता है गाइस, रेड कलर को जो लुमिनेंस है गाइस, लुमिनेंस को थोड़ा जो है गाइस यहाँ पर रखते हैं, इसका सेचुरेशन को हल्का सा माइनस करेंगे। देन गाइस आप चले आएंगे कुछ इस तरफ, और इस तरफ आने के बाद आपका जो ह्यू है गाइस, येलो कलर का जो ह्यू होता है गाइस, थोड़ा क्या करेंगे देखते हैं कहाँ पर ठीक ठाक लग रहा है मुझे। तो गाइस यहाँ पर देंगे एंड सेचुरेशन को गाइस यहाँ पर हम तो प्लस की तरफ, मतलब जो पॉजिटिव साइड होता है उस तरफ ले जाएंगे। देन यहाँ पर हम ग्रीन कलर पे चले आएंगे। देन ग्रीन कलर का भी आप ह्यू देख सकते हैं गाइस, ह्यू को हम करेंगे प्लस की तरफ एंड देन इसका जो सेचुरेशन है गाइस वो भी हम प्लस की तरफ ही करेंगे। देन इस तरफ करने के बाद हम जो स्काइलेट टोन होता है गाइस, स्काइलेट टोन को हम क्या करेंगे, स्काइलेट टोन देख सकते हैं, अगर हम इस स्काइलेट टोन को चेंज करते तो हमारा जो मॉडल का जो शर्ट है गाइस वो का उसका कलर चेंज हो रहा है। तो गाइस इसको हम ऐसा करेंगे एंड इसका सेचुरेशन को हार्ड करेंगे। देन नेक्स्ट वाले कलर पे आ जाएंगे और इसका जो टी शर्ट है गाइस इसका चेंज करेंगे, ठीक है। तो गाइस ये टी शर्ट नहीं क्या है मुझे नहीं पता। देन इसको कर देंगे डन एंड देन वो सब कलर को पूरे की तरह छोड़ देंगे। देन इसका गाइस थोड़ा वाइब्रेशन होगा गाइस, वाइब्रेशन को थोड़ा आप बढ़ा देंगे एंड देन इसे सेचुरेशन को वही रख देंगे एंड देन इसका टेम्परेचर को थोड़ा सा कम करेंगे, ठीक है। तो गाइस करने के बाद यहाँ पर जो विग्नी टूल होता है गाइस, उसमें आपको क्या करना है, आपको क्लैरिटी को थोड़ा देना है। सो अप्रोक्स आप 4 तक क्लैरिटी दे एंड डीएस को थोड़ा आप 4 दे दे, ठीक है। देन आपको क्या करना है, आपको विग्नीट है गाइस, ठीक है, ऊपर एक विग्नीट का ऑप्शन आता है गाइस, ये इफेक्ट बहुत ही लाजवाब एक इफेक्ट होता है। तो गाइस हम विग्नीट को -19 तक देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे एंड देन इसका जो राउंडनेस एंड फेदर है गाइस, राउंडनेस को हम एडजस्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर जो टूल्स है गाइस, यहाँ पर टूल्स पे आप जाके आप शार्पनिंग को ऐड करेंगे। अगर आप शार्पनेस जो शार्पनिंग टूल होता है गाइस इसको आप ऐड करते तो आपका फोटो में जो शार्पनेस आ जाएगा। देन आपको नीचे का टूल आके जो नॉइज रिड्यूशन होता है गाइस उसको ऐड कर देंगे, जिसका मतलब आपका फोटो में जितना भी नॉइज होगा पूरा चला जाएगा। देन आपको नीचे आकर कलर नॉइज रिड्यूशन को गाइस ऑन करना है, ठीक है। तो कलर नॉइज रिड्यूशन को ऐड करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर आपका सब काम हो जाता है। देन गाइस आपका जो मेन काम यहाँ से शुरू होता है। देन गाइस मैंने पहले ही बोल दिया था, अगर आपके पास ये अनलॉक वाला ऑप्शन नहीं है, मतलब जो सिलेक्टिव टूल है गाइस आपके पास अगर नहीं है, तो आप ऐसे तरीके से रेडिंग नहीं कर सकते। सो इस जो 4.0 का वर्जन है गाइस लाइटरूम का, उसका नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाके एक क्लिक पे आप डाउनलोड कर सकते हो। देन गाइस आपको क्या करना है, इसका जो ऊपर जो सिलेक्टेड टूल है इसके ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पर जो प्लस वाला आइकन आता है गाइस, सॉरी
तो गाइस यहाँ पर जो प्लस वाला आइकन आता है इसके ऊपर आपको स्क्वायर वाला बॉक्स लेना है, ठीक है दोस्तों। स्क्वायर वाला बॉक्स लेने के बाद यहाँ पर आप जो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर टैप करेंगे देन गाइस यहाँ पर जो एक जो गाइस एक लाइनर आता है, तो गाइस आपको यहाँ पर क्या करना है, इस लाइनर को आपको यहाँ पर जो मिडिल पोर्शन होता है गाइस, इसका जो मिडिल पोर्शन यहाँ पर आपको इस लाइनर को ले रहे हैं, ठीक है गाइस। आप इस लाइनर को जो एडजस्ट कर सकते हैं आपके मुताबिक, मतलब आप यहाँ पर खुद से भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपको अगर ये जो लाइनर है गाइस आपके अगर मिडिल पोर्शन से आता है तो मतलब एक गजब सा इफेक्ट आता है। तो सिंपली मैं यहाँ पर एक बार क्लिक कर देता हूँ, देन आपको क्या करना है गाइस, आपको इस पोर्शन पे जो गाइस ग्रास है गाइस सब कुछ आपको मतलब एक चमक होना चाहिए, ठीक है। तो गाइस हम देख सकते हैं, हम ऐसे रीडिंग करेंगे इसका जो जैसे ऊपर जो टेम्परेचर होगा गाइस, टेम्परेचर को हाई कर देंगे थोड़ा, एंड देन इसका जो टिंट होगा टिंट को थोड़ा माइनस करेंगे, ठीक है दोस्तों। टिंट को माइनस करेंगे, सैचुरेशन को गाइस ऐड करेंगे यहाँ पर, तो सिंपली गाइस सैचुरेशन को ऐड कर देते हैं गाइस। देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा फेस का कलर होता है, जो बैकग्राउंड का कलर तो वो पूरा चेंज हो रहा है। देन यहाँ पर जो एक कलर गाइस कलर होता है गाइस, यहाँ पर एक कलर ले लेंगे, तो इस कलर को ले लेते हैं। और इसका जो देख सकते हैं हाईलाइट्स होगा 79 एंड सैचुरेशन 46 है। देन गाइस आपको इस नीचे टूल पे आ जाना है, इसका जो नॉइज है गाइस नॉइज को आपको एक्सट्रैक्ट करना है, एंड देन शार्पनेस को भी ऐड करना है। देन गाइस देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा मतलब ऐसे ही कुछ काम करना था, देन आपको क्या करना है, फिर से एक ऐड वाला टूल पे जाना है, एंड देन फिर से आपको जो स्क्वायर वाला आइकन होता है उसको क्लिक करना है, ठीक है ना। देन गाइस आपको फिर से वही इस साइड पे आपको ले लेना है, ठीक है। तो गाइस इसका जो बॉक्स है इस साइड पे, मतलब जो ये वाला बॉक्स होता है गाइस, सॉरी ये वाला जो बॉक्स होता है गाइस, यहाँ पर आपको इसको ऐड करना है, ठीक ऐसे जगह पे इसको ऐड करना है। देन इसको भी एक बार टैप करना है, एंड गाइस अब आपको क्या करना होगा, आपका जो भी सब कलर होता है सब मतलब ब्लैक एंड व्हाइट होगा, मतलब सब नेगेटिव होगा, ठीक है। देन इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, ठीक है सॉरी, यहाँ पर जो कलर टूल होता है गाइस कलर टूल के ऊपर कर देते हैं, एंड देन इसका जो गाइस सैचुरेशन मतलब जो टेम्परेचर होगा गाइस, टेम्परेचर को एकदम माइनस कर देंगे। देख सकते गाइस टेम्परेचर माइनस करना अच्छा नहीं लग रहा, तो पर जो सैचुरेशन है गाइस सैचुरेशन को एकदम पूरा कम, ठीक है गाइस देख सकते हैं सैचुरेशन को एकदम मैंने पूरा कम कर दिया है। इसका जो टिंट होगा गाइस, टिंट को हम देखते हैं कहाँ पर ठीक होगा, तो गाइस टिंट को हम थोड़ा पॉजिटिव साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट वाला इफेक्ट आ रहा है जो बहुत ही मतलब शानदार सा इफेक्ट आ रहा है। सो इसका टेम्परेचर को गाइस हम ऐड कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो गाइस देख सकते हैं कितना गजब से बहुत ही अंदर आपको एक्सपोजर पे जाना है, एक्सपोजर पे आपको कॉन्ट्रास्ट थोड़ा ऐड करना है गाइस, कॉन्ट्रास्ट से एक चमक होती है, तो गाइस इस चमक को आप जरूर, एंड देन इसका जो हाइलाइट्स होगा गाइस ऊपर जो हाइलाइट्स का पोर्शन होगा इसको भी आप कम कर देंगे, एंड देन इसका शेडो होगा गाइस शेडो को हम ऐसे एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। तो गाइस ये सब करने के बाद यहाँ पर सिंपली एक बार राइट पे ऊपर क्लिक कर देना है, एंड देन आपका जो डुअल टोन की इफेक्ट होता है गाइस, आपका डुअल टोन का इफेक्ट हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। देन यहाँ पर तीन डॉट के ऊपर क्लिक करना होता है, एंड देन सेव टू डिवाइस आपको ऊपर क्लिक करता है, एंड यहाँ पर बहुत ही जल्दी से आप हाईएस्ट अवेलेबल क्वालिटी पे आप इसको सेव कर ले। सो गाइस आज का वीडियो अगर आपको पसंद आता है, मतलब अगर थोड़ी भी सीखने को कुछ भी मिला है, तो गाइस एक लाइक करके जाना, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते। और चैनल पे अगर इस वीडियो के दौरान आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि ऐसे रिलेटेड एंड इंटरेस्टिंग एडिटिंग वीडियो सिर्फ इसी चैनल पे मिलता है। तो गाइस यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को, जो घंटा वाला आइकन होता है गाइस, उसको दबाना, नहीं तो आपको घंटा भी कुछ नहीं मिलेगा। जल्दी गाइस मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ले जय हिंद वंदे मातरम, अच्छे रहना खुश रहना।